बेसिकली स्टडी कम पढ़ चुके हैं, इंटीरियर थे और एक्सटीरियर थे। अभी फिलहाल हम इंटीरियर कर रहे हैं, इंटीरियर में हमने स्टैटिक डिफॉल्ट कर दिया। इंटीरियर में इनसाइड रिप और जन 1 2 EIGRP OSPF एक और भी है SIS, लेकिन वो कोर्स का हिस्सा नहीं है। एक्सटीरियर में फिर BGP आता है, वो अब बाद में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये दो कर चुके हैं और इन दोनों का डिफरेंस भी कर चुके हैं, दोनों अप्लाई भी कर चुके हैं। सही है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे EIGRP। EIGRP क्या है? एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये सिस्को प्रोप्राइटरी था 2013 तक, सही है, लेकिन 2013 के अनवर्ड ये उन्होंने ओपन कर दिया, ठीक है। ये सिस्को ने डेवलप किया था, इसको कहते हैं एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, EIGRP, सही है। इसका क्या होता है? सही है, इसकी मेन जो चीजें है इसको हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं, और समटाइम इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये भी सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। सिस्को प्रोप्राइटरी था, ओपन हो गया, वो मसला भी खत्म हो गया। ये भी मल्टीकास्ट यूज करता है पैकेट सेंड करने के लिए, लेकिन इनकी तरह नहीं है। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये तो पूरा टेबल सेंड कर रहे थे ना। अच्छा, इसका हॉप काउंट कितने थे? 15 तक। इनके हॉप काउंट है 200, डिफॉल्ट होता है 100, वो अभी हम चेक करेंगे। इस क्वींस को ट्यून करके 255 तक ले जा सकते हो लास्ट, ठीक है। अच्छा एक सवाल, हां, ये जो होप काउंटिंग होती है, हां, ये ओवरऑल आप काउंट कर रहे हैं, यानी किंगडम के बाहर भी हम कह सकते हैं या सिर्फ विद इन नेटवर्क? विद इन द डोमेन। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये इंटीरियर है, ये एक ही डोमेन के नीचे चलेंगे। जैसे रांची है उसका बहुत बड़ा नेटवर्क, हां बिल्कुल, इसमें ये चला सकते हो, ठीक है। वो इस राज्य का सब एक ही डोमेन है, ठीक है, मींस ये वो एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के अंदर आता है, तो इसमें ये हम यूज करते हैं। जब वो बाहर जाएगा तो फिर एक्सटीरियर प्रोटोकॉल है, उसको BGP कहते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर में वो 255 राउटर तक काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर 255 तक राउटर है आपने की ना और नेटवर्क है, तो इसमें EIGRP अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 255 कैसे? यानी एक राउटर से दूसरा कनेक्ट, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा, सो ऑन, या पूरा नेटवर्क आपका 255 राउटर तक है। ये 15 राउटर तक मैक्सिमम काम कर रहा था, बाय डिफॉल्ट इनका 100 होता है, लेकिन इसको ट्यून करके 255 तक ले जा सकते हो, एटलीस्ट इनसे बेहतर है, ठीक है। 256 इसके लिए अनरीचेबल, जिसके लिए इनके लिए 16 अनरीचेबल था। ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, ठीक है, ये तो एक और खूबी इसकी। अच्छा, इसमें और क्या होता है? ऑटोनॉमस नंबर सिस्टम होता है, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, एक नंबर होता है, एक से लेके 65,565 तक। कल हम क्या लिखते थे? राउटर रिप लिखते थे ना, और एंटर कर लेते थे ना, आज भी हम लिखेंगे राउटर EIGRP, लेकिन इसके साथ एक नंबर भी लिखेंगे, ठीक है। वो नंबर सब राउटर पे सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं होंगे तो नहीं चलेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, वो लाजमी है, और यही लैब होता है एग्जाम का, ठीक है। एक राउटर में 256 दिया होता है, एक सपोज एक नंबर 222 होता है, दूसरे में 221 होता है, नहीं चलेगा, अच्छा ठीक है। तो ये लाजमी है, क्योंकि इसका एक नंबर देना पड़ता है, वो सेम होना चाहिए। ये पार्शियल अपडेट सेंड करते हैं, मींस जब कोई मसला हो तो सेंड करता है, ये इसकी खूबी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रैंकिंग में ये बेहतर है इनसे, जितना कम होता है ना वो बेहतर होता है, ठीक है। ये डुअल एल्गोरिथम यूज करता है, डुअल एल्गोरिथम क्या है वो नीचे पढ़ेंगे। ये मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि 255 राउटर तक मीडियम कह सकते हो, इसकी निस्बत ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और डिफिकल्टी कहाँ पे है? अगर आपने ऑटोनॉमस नंबर सिस्टम गलत टाइप कर दिया तो नहीं होगा आपका, अच्छा। टेबल शेयर नहीं होंगे, सही है। इसके बाद ये क्या करते हैं? हेलो पैकेट सेंड करते हैं हर 5 सेकंड के बाद, अच्छा। इनकी तरह नहीं, ये तो 30 सेकंड बाद क्या करता था, पूरा टेबल सेंड, ये सिर्फ हर 5 सेकंड हार्ट बीट कह सकते हो, बंदा वो चेक करना है तो अच्छा हार्ट बीट कर रहा है, इट मींस जिंदा है। इस तरह ये भी हर 5 सेकंड बाद हेलो हेलो करके, इट मींस आपको छोटा सा पैकेट जाएगा। इनकी तरह नहीं, पूरा टेबल तो बहुत बड़ा होता है ना, ये तो हमारा 3 राउटर थे, अगर सपोज ये 15 राउटर होते इनकी, कितना बड़ा राउटिंग टेबल होगा, सही। तो वो हर 30 सेकंड बाद सेंड करता था, लेकिन ये इस तरह नहीं करता, सिर्फ हेलो पैकेट सेंड करता है, और जब कोई मसला होता है तो पार्शियल अपडेट सेंड कर देते हैं, जहाँ पे कोई डाउन हो या ज्यादा आ गया हो तो ये अपडेट सेंड कर देते हैं। डाउन होने में भी मींस कुछ डाउन हो गया ना, तो एक राउटर खत्म हो गया ना, तो सबको अपडेट करेगा कि ये राउट खत्म हो चुका है, सही है, अपडेट कर दो अपने टेबल को, सही है।
सेम टू सेम 15 सेकंड तक ये होल्ड करता है। अगर किसी इसके नाइबर से 15 सेकंड तक रिप्लाई नहीं आ रहा है ना हेलो पैकेट का, तो ये समझेगा कि ये डेड है। सही है। तो ये इसकी एक और खूबी है। मैट्रिक इसका ये है, बैंडविड्थ और डिले होता है, लेकिन इसके चार होते हैं यूज, ये तीन होते हैं, लेकिन इसमें ये सारे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बैंडविड्थ, डिले, लोड और रिलायबिलिटी, ये भी हम चेक करेंगे। सही है। तो ये अब हम करने जाने इसकी ये मेन चीज़ें थी जो आपको याद होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है, 224/10 यूज़ करता है मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करने के लिए। सिस्को प्रोप्राइटर अभी नहीं है, हाइब्रिड है या एडवांस एडवांस वेक्टर इसको कह सकते हो। मैट्रिक इसका हाचर 90 हेड एडमिनिस्ट्रेटिव रेजोल्यूशन से बेहतर है। सही है। और मैट्रिक इसका बैंडविड्थ और डिले है, ये हम चेक करने जा रहे हैं। तो इधर आके चारों यूज होते हैं? नहीं, चारों यूज नहीं होते, अभी हम चेक करेंगे। चार पांच केस होते हैं, वो अभी चेक कर लेते हैं। वो कल वाली टोपोलॉजी है, इस पे कुछ नहीं कॉन्फ़िगर, सिर्फ तीन राउटर हैं। सही है। तो इधर आके एनेबल मोड पे शो आईपी राउट, कुछ भी नहीं है, दो कनेक्टेड है उनके, एक फर्स्ट वाला राउटर है, ठीक है, ये इसके दो कनेक्टेड है, वो सिर्फ कनेक्टेड शो कर रहा है। सही है। या शो आईपी प्रोटोकॉल, इससे भी हम चेक कर सकते, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन राउटर, कल हम रिपीट थे, आज देखेंगे EIGRP, लेकिन ये यहाँ एंटर नहीं होगा। इसके बाद है ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, एक से लेके 65535 तक, पूरी नेटवर्क का सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंट हो तो नहीं होगा। सही है। कुछ भी चूज कर सकते हो, 1 सब पे 1 कॉन्फ़िगर कर दो, 11 सब पे 11 कॉन्फ़िगर कर दो, इससे ज्यादा हो सकती है नंबर? हाँ, कोई 65535 तक जा सकते हो, 111 इससे ज्यादा नहीं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक है बस। तो अब ये तो एक नंबर देना है ना, तो कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। वन दे दो, दूसरा नेटवर्क आपने डिजाइन कर दिया, दो दे दो, तीन चार, कितने नेटवर्क हो सकते हैं। ठीक है। सपोज मैंने 11 दे दिया या 1 दे दिया सपोज, इसके बाद सेम वही प्रोसीजर है, नेटवर्क 1.0.0.0 ये मेरा नेटवर्क है ना, और दूसरा क्या है अपना नेटवर्क, वही बिल्कुल। ठीक है। 8.0.0 खत्म, इसने एडवर्टाइज कर दिया अपना। सेम टू सेम इधर आएंगे, CLI enable control shift 6 enable show IP route, तीन नेटवर्क है, कॉन्फ़िगरेशन राउटर EIGRP सेम वही 1 लिखेंगे, कुछ और लिख दिया तो नहीं होगा। नेटवर्क 1.0.0.0 नाइबर अप हो गया क्योंकि उस साइड पे होता ना, और इधर दूसरा वाला क्या है 2 और तीसरा 192.168.1.0 इसके तीनों हो गए। ये 1 इसलिए अप हो गया कि उस साइड पे हमने अप किया था, अभी 2 दूसरे साइड पे है, जब उधर भी अप करेंगे ना ये 2 इधर भी आ जाएगा मैसेज। आते हैं तीसरे राउटर पे, एनेबल आईपी राउट, सिर्फ दो नेटवर्क है, राउटर EIGRP 1 नेटवर्क 2.0.0.0 जब मैं टाइप करूंगा ये अप हो जाएगा, और सेम टू सेम दूसरा नेटवर्क इसका है 2.0। ठीक है। अब अगर मैं शो आईपी राउट करूंगा, सब की राउट इधर आए होंगे, या शो आईपी राउट EIGRP वाले सिर्फ शो कर दो, इसके पास 3 आ चुके हैं। अगर हम इस पे स्टैटिकली कर लेती ना तो 3 ही टाइप करते। ठीक है। एक इनका ये है 2, एक ये मिसिंग थे 3, इन्हें सॉरी 1 2 3 3 मिसिंग थे, ये ऑटोमेटिकली आ गए। तो स्टैटिक से ये बेहतर इस वजह से ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ठीक है। ये डी ये शो कर रहा है कि इस पे क्या है, ये EIGRP कॉन्फ़िगर है, ये इसका नेटवर्क है हम पढ़ चुके हैं। सही है। ये इसका सबनेट मास्क है, 90 इसका क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, ये इसका मैट्रिक्स है। अच्छा। मैट्रिक्स की इतने फासला इसको चाहिए यहाँ पहुंचने के लिए, हर एक का डिफरेंट होता है, उसका हाफ था वो राउटर गिनने देना, ये बैंडविड्थ है। अच्छा।
अच्छा ये बैंडविड्थ है। हाँ क्या तक पहुंचने के लिए ये सबसे कम बैंडविड्थ जिस रास्ते पे लगते हैं ना वही चूज करें। किस तरह होते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। मुझे लगा ये भी हॉप है इतनी ज्यादा। नहीं हॉप्स नहीं है, इनका डिफरेंट होता है। मैंने कहा हर एक मैटर अलग होता है। इस रास्ते से जगह इतने टाइम से आप है और इस सीरियल इंटरफेस पे सेम टू सेम ही दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है। इसका सबनेट मास्क 2490 वही है सब कुछ। और ये कहां बता रहा है ये इंटरफेस इंफॉर्मेशन कौन सी है? ये इनके इंटरफेसेस है ना, ये है सीरियल 3/0। मैं इस राउटर पे हूं, ये कह रहेगा कि 2.1.1.1 ये है 2.1.1 और मैं इस इंटरफेस से बाहर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये इसका इंटरफेस है और ये इसको देगा। अच्छा ठीक है, तो सेम टू सेम अगर शो आईपी आईपी प्रोटोकॉल्स कर दूं, प्रोटोकॉल्स मैंने कहा कि इस पे एजीआरपी 1 कॉन्फिगर है, कोई इशू हो दोनों एक्सचेंज नहीं कर रहे हो राउट्स, आपने इस से चेक करना है कि इधर क्या लिखा है, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये वो है जो मैंने कहा कि ये बैंडविड्थ डिले और ये यूज करते हैं। एक के वन यूज करते हैं, एक के टू, बस ये दो यूज करते हैं बैंडविड्थ एंड डिले। सही है, बैंडविड्थ डिले ये क्या है के वन के टू, ये इनको असाइन किए हैं इन चीजों को, बैंडविड्थ डिले लोड और रिलायबिलिटी। हर इंटरफेस की ये चार चीजें होती है केस, इनको भी आप कर सकती है ट्यून। बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले होता है, के वन बैंडविड्थ है और के थ्री डिले है। बैंडविड्थ और डिले क्या होता है, अगर मैं इधर कर दूं शो आईपी इंटरफेस सीरियल 3/0 नहीं इससे नहीं होगा, शो आईपी नहीं शो इंटरफेस रखो, मुझे इंटरफेस की डिटेल चाहिए। ये है मैंने कमांड लिखा शो इंटरफेस सीरियल 3/0। सही है, इसका बैंडविड्थ है, ये है बैंडविड्थ 128, डिले इसका है 2000। ठीक है, सही है, एमटीयू इसका है 1500 बाय डिफॉल्ट ये होता है, ये रिलायबिलिटी है 255। एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, कितना बड़ा पैकेट इससे गुजर सकता है बाय डिफॉल्ट यही होता है 1500। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें काउंट करके इसके थ्रू डिसाइड करते हैं कि आया सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका बैंडविड्थ डिले रिलायबिलिटी सब काउंट करके ये, इसलिए इसने राउटिंग टेबल में ये शो किया है। किधर है वो, ये चीज इसका फार्मूला होता है, मैं आपको शो कर दूंगा, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है खैर, लेकिन आपको समझने के लिए मैं ये फार्मूला है। एजीआरपी यूज मैट्रिक बैंडविड्थ, मैंने कहा कि एक बैंडविड्थ वो डिले यूज करता है और बैंडविड्थ यूज कर सकते हैं, बाकी केस अगर आपने चेक किया 0-0 थे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट दो यूज करते हैं, लेकिन आप तीन ऑन कर सकते हो, मीन सारे ऑन कर सकते हो। फार्मूला इनका क्या है, ये फार्मूला है 256/10 की, ये इसमें मिनिमम बैंडविड्थ लिखना है और प्लस डिले लिखना है। तो अगर इसमें आप लिख दो तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। सपोज इसमें से एक कर सकते कर लेते हैं, ये है इंटरफेस, ये वाला कर लेते हैं सपोज। तो ये सीरियल का ये कहाँ तक है, वन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, राउटर थ्री में मैं हूँ, वन नेटवर्क ये है ना। ठीक है, तो इधर भी सीरियल इंटरफेस है, इस भी सीरियल, दोनों के सेम होंगे। ठीक है, तो फार्मूले में क्या है, ये कह रहा है कि 256 लिख दो, 10^7 लिख दो और मिनिमम बैंडविड्थ लिखो। तो सीरियल इंटरफेस का मिनिमम बैंडविड्थ क्या है, अपने यहाँ भी काउंट किया, ये है इसका बैंडविड्थ 128 था मैंने, ये है 128। सही है, अब 128 को इधर लिखना है। सही है, मिनिमम बैंडविड्थ 128 और सब इंटरफेसेस का डिले लिखना है। डिले इसका क्या है, 2000 सेकंड और 2000 दूसरे रास्ते का है, यह तक है ना, 2000 इसका भी होगा क्योंकि दोनों इंटरफेस सेम है। अच्छा। तो ये हो गए 4000, 4000 को डिवाइड करना है 10 पे, 400 हो रहेगा। एक और तरीका भी है,
इंटरनेट लगाना होगा, ये डायरेक्ट इंटरनेट भी इसका फार्मूला होता है। अपने सारी चीजें ऑन करके इसमें फिट कर दो, ये ऑटोमेटिकली बता देगा। एनी हाउ इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, डिले, डिले इज द सम ऑफ डिले। इसमें सिर्फ मैं एक चीज होती है, चलो कर लेते हैं इधर कैलकुलेटर से या उस पे एक्सेस करने ही। हमने वाईफाई लगाया तो बहुत ज्यादा स्लो था, खत्म कर दिया एक साल। अच्छा फजूल सा था। देखिए आ रहा हो गया तारीख, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8 9 8 9। मैंने सेव भी कहीं नहीं किया था, लेकिन लिख देता हूँ। ठीक है, बैंडविड्थ हमारा क्या है, 128 है। ठीक है, के वन हमारा क्या है, शो आईपी प्रोटोकॉल, के वन वन है ना, और के थ्री वन है, बस के वन और के थ्री बाय डिफॉल्ट ये होते हैं। ठीक है, और लोड क्या है, लोड भी हमें इससे पता चल सकते हैं, ये है लोड वन ही है। ठीक है सही है, शो शो इंटरफेस लिख दो उसके आपको बता देगा। तो लोड में क्या है, वन ही है। ठीक है, और डिले हमारा क्या है, 2000 है ना, नहीं कितने हैं, 20000 है, लेकिन 20000 को डिवाइड कर लेते हैं ना, इधर 20000 लिखते हैं, 20000 हो गया। ठीक है, और रिलायबिलिटी 255 है, वो भी हमें इधर ही पता है, रिलायबिलिटी इधर कहीं थी, ये है ये भी इंटरफेस की वैल्यूज होते हैं बेसिकली सारी। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट मैट्रिक्स, और अगर हम इस कर ले तो इसका आंसर क्या है, 2512। इसको चेक कर लेते हैं जो हमारे राउटिंग टेबल में है, गलत है ना, फिर हमने किसी जगह पे गलती की होगी। ये डॉट्स किस चीज के दे रहे हैं, नहीं वैसे टाइप करने के लिए कुछ भी नहीं हो, ये इसमें पहले क्या था, शायद हम इसको गलत लिख रहे हैं, इसको डिवाइड करके लिखना पड़ता है। मैं इसी कर लेता हूँ कि वही आता है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो 2056 नहीं, ये वही लिखना पड़ेगा, हमें ये क्यों नहीं दे रहा है, क्या था वो डिले, क्या था सॉरी,
20,000 का। पच्चीस बारह हजार गलत दे रहा है। सपोज इन एग्जांपल दिया है ना, नेटवर्क का काम करना है तो इसको आईपी राउट, और राउट हमारा क्या है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है फार्मूले में, हम कोई गलती कर रहे हैं जो हमारे राउटिंग टेबल में कौन सा हम इसके लिए कर रहे हैं ना, 1.0.1.0.1.1 फॉर के लिए। खाली नेटवर्क नहीं लिखे, नेटवर्क लिखेंगे इससे आप पता करना है। मैट्रिक यही था ना, ऊपर यही लिखा है। तो इसके लिए टोटल दे रहे हो यहाँ अलग 40,000 का बैंडविड्थ 128 है, ठीक है। टोटल दिया, हाँ हमने ये लिखना है, दोनों का लिखना है ना, 20,000 एक का हो गया, ये फर्क था, अभी लिख देता हूँ। टोटल डिले हमें बताया, हमने एक का लिखा था 40,000। और ज्यादा हो गया ना, ये और ज्यादा, और गलती हमने क्या किए, रिलेबिलिटी 255 MTU, ये लोड वन हाफ वही है। टोटल डिले इधर, टोटल डिले मांगा है क्यों, सिर्फ डिले मांगा है, डिले ही मांगा है यार। इस फार्मूले में हम क्या गलती कर रहे हैं, 4000 करें खाली, नहीं 20,000 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो क्या आ जाता है, 10 से 2000 हो जाएगा। आपको पता होता है कि ये किस तरह काउंट करते हैं। असल में इस के की वैल्यूज को और इन सारी चीजों को लेके ना, ये बैंडविड्थ K1 और K3, ये बैंडविड्थ है और ये डिले है। बैंडविड्थ क्या है कि एक इंटरफेस से एट ए टाइम कितना डेटा पास हो सकता है, इसको बैंडविड्थ कहते हैं। शुरू में हम एक पढ़ा था ना वो इंट्रोडक्शन में, सही है। डिले कितना टाइम ये लेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, इसको डिले कहते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ये के आन होते हैं, बैंडविड्थ और डिले। इसके बाद रिलायबिलिटी भी है, एमटीयू भी है, इनको भी ट्यून कर सकते हो, सही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यही केस होते हैं। तो ये इस कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले में फिट करके इसके बाद जो हमें देता है वो इनका मैट्रिक होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपको ये बहुत बड़ा फिगर नजर आ रहा है ना, तो ये इस फार्मूले में फिट करके इसने फाइंड आउट किया है कि कौन सा बेस्ट रूट है, सही है। तो अगर हम इन दो चीजों में कोई चीज अप डाउन करोगे तो ये चेंज होगा, बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो ये कम होगा, इस तरह डिले कम हो या ज्यादा हो नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, खुद ऑटोमेटिकली हर इंटरफेस का बैंडविड्थ होता है, ठीक है। और हर इंटरफेस का जो होता है शायद वो मैंने टेबल में दिया हो, बाय डिफॉल्ट जो होता है 128 सीरियल का होता है, नहीं मैंने टेबल में नहीं दिया है, इसका एक छोटा सा टेबल होता है जिसमें मैंने दी थी कि बाय डिफॉल्ट 128 होता है सीरियल का, और दूसरे का यार लिखा तो था, मुझे याद है किसी जगह से मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट किया था, नहीं लिखा, खैर है चलो सही है, किसी और जगह पे मैंने लिखा था, इधर कॉपी कर दूंगा। एनीवे इसको ये जेआरपी कहते हैं, इसका मैटर क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसके थ्रू ये करके कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा और क्या था इसमें, हाँ
तो ये आप इसको प्रोटोकॉल वगैरह चेक कर सकते हो, शो आई वे प्रोटोकॉल से हमें पता चल जाता है कि इस पे कौन से प्रोटोकॉल चले, या शो रनिंग से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि एएचआरपी का कौन सा नंबर है, इसमें ये एरर आ सकता है, तो आप इधर से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है तो ये सेम होना चाहिए पूरे नेटवर्क में। अब आते हैं इनके सारी चीजें चेक करने के लिए, इसकी सारी चीजें चेक करने के लिए जो हमने पढ़े था शो आईपी प्रोटोकॉल्स, एक तो के वैल्यूज हो गए, बाय डिफॉल्ट K1 और K3 ऑन होता है, K1 बैंडविड्थ है, K3 डिले है, सही है। अच्छा ये एएचआरपी नंबर 1 इधर से हमें पता चल जाता है, 90 इसका क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, सही है। इसके लिए गेटवे ये है क्योंकि लास्ट राउटर पे है ना, इसके लिए वो दूसरा वाला है, ये दो नेटवर्क है एडवर्टाइज कर रहे हैं, मैक्सिमम पाथ ये 4 बाय डिफॉल्ट चूज कर सकते हैं, वो भी आगे एडवांस में हम पढ़ेंगे, सही है। वेरिएंस पे हम करेंगे और ये हॉप काउंट है इसके, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितने हैं 100, सो इसको भी हम चेंज करेंगे, लेकिन हम बेसिक इन सब के पढ़ के दोबारा इस पे आके एडवांस लेवल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये ध्यान में रखना, ये करेंगे। अच्छा और क्या था, अच्छा ये हो गया। अब अगर इसको चेक करना है कि ये पैकेट हेलो पैकेट किस पे सेंड करता है, ठीक है, तो इधर से एडिट करके सबको खत्म कर दो और इधर से सिर्फ EIGRP कर दो ताकि हमें आसानी हो पैकेट की। तो अब अगर हम पैकेट चेक करें, ये EIGRP वाला पैकेट, तो ये हेलो पैकेट जो सेंड कर रहे हैं EIGRP, ठीक है। तो ये कौन से वाले पे, कल रिपोर्ट 224.0.0.9 पे कर रहा था, ये किस पे कर रहा है 10 पे कर रहा है, EIGRP वर्जन 2 बाय डिफॉल्ट ऑन होता है और ये हेलो पैकेट सिर्फ सेंड कर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं होता। हाँ अगर ये कोई नेटवर्क डाउन हो या कोई और इशू हो तो ये पूरा टेबल पे सेंड कर लेगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो हमने कहा था कि इनके ये चीजें है, ये दो चीजें भी हमने चेक की, पैकेट भी 5 सेकंड है और अगर नेटवर्क को डाउन कर दो 15 सेकंड तक वो टेबल में रहेगा, ठीक है। 15 सेकंड के बाद उसको फ्लश कर देगा, कहेगा कि ये रूट नहीं अवेलेबल, सही है। 90 भी हमने चेक किया, बिल्कुल सही है, ये हमने चेक किया। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर सेम होना चाहिए, अभी मैं एक भी चेंज करके नहीं होगा। हॉप काउंट भी चेक किया, डिफॉल्ट 100 थी और मल्टीकास्ट भी चेक किया, सही है। और ये तो हमारा दीदी कर चुकी है, ठीक है। ये था EIGRP, ठीक है। इसके बाद आता है OSPF, ठीक है। OSPF क्या है, ये है OSPF। मैंने कहा था कि OSPF जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छा, क्योंकि अनलिमिटेड EIGRP है उसमें वर्जन 2 आपने कहा, उसमें बाय डिफॉल्ट वर्जन 1-2 होते हैं, बस ये होते हैं। अच्छा वर्जन दूसरा वर्जन है लेकिन IPSS के लिए, वो उधर हम करेंगे वर्जन 3। हाँ ठीक है, लेकिन फिलहाल उसको छोड़ दो, इसमें थोड़ी सी एडवांस चीजें भी करेंगे। पैसिव इंटरफेस है, ये हॉप काउंट चेंज करना है, मेट्रिक चेंज करना है, सारे के ऑन करने हैं अगर EIGRP में, हाँ इसको और भी पढ़ेंगे, ठीक है। OSPF हम पढ़ चुके हैं, मैंने वैसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है, सही है। ओपन स्टैंडर्ड, पता नहीं इसे क्या बनता है, ओपन शॉर्ट इस पाथ फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं, जो लिंक्स को देख के उसकी बुनियाद पर डिसाइड करते हैं कि हमसे कितना दूर है और कास्ट, कि इस लिंक तक पहुंचने के लिए मेरा कितना कास्ट आएगा, तो ये कास्ट पे इनका मैटर क्या होता है, कास्ट होता है, ठीक है। ये भी क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्लासलेस क्या होते हैं, सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं, ये भी ओपन स्टैंडर्ड है। अच्छा ये दो चीजें यूज करते हैं, 224.0.0.5 पे वो हेलो पैकेट सेंड करते हैं और सेक्स जो है ये किसी और मकसद के लिए यूज करती है, DR VDR चूज करने के लिए, वो आगे हम पढ़ेंगे, और फिलहाल छोड़ दो, सही है। ये लार्ज नेटवर्क के लिए होता है, लिमिटेशन इसका नहीं है, हॉप्स काउंट का अनलिमिटेड है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करते हैं, चूंकि अनलिमिटेड है तो इसमें हम एरिया और प्रोसेस आईडी यूज करते हैं। ये प्रोसेस आईडी सेम टू सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की तरह होता है, 1 से लेकर 65535 तक, लेकिन हर राउटर में डिफरेंट दे सकते हो, ये हम नहीं दे सकते, अगर दे दिया तो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, सही है। एरिया में इसलिए हम डिवाइड करते हैं क्योंकि अनलिमिटेड है, तो हम हर एरिया का, ताकि हर टेबल छोटा रहे, हर एरिया का हर राउटर क्या करेगा, अलग एरिया का टेबल रखिएगा, दूसरा अलग एरिया का,
और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी करेंगे। इसका नेम होता है, ये एरिया नंबर होता है, जीरो से लेके एरिया जीरो जो होता है वो बैकबोन एरिया होता है, बाकी कोई भी नंबर दे सकते हो। अभी हम चेक करेंगे, ये भी पार्शियल अपडेट सेंड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका 1110 है, सही है। ये डिस्कस्टर पता नहीं किस तरह बोल देते हैं, ये वो एल्गोरिथम यूज करते हैं, सही है। लार्ज नेटवर्क के लिए होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और इसका मेट, अच्छा ये हेलो पैकेट 10 सेकंड के लिए यूज करते हैं, वो 5 था ना, ये 10 के लिए, ठीक है। और 40 सेकंड तक इसका डेड टाइमर होता है, उनका 15 था, ठीक है। और मेट्रिक इसका कास्ट है, कास्ट क्या है कि एक लिंक से लेके दूसरे लिंक तक पहुंचने के लिए कितना कास्ट आएगा। अच्छा सही है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। कॉन्फ़िग टी, उसको रिमूव करने के लिए क्या है, नो राउटर EIGRP 1, ठीक है। सेम टू सेम ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, नो राउटर EIGRP 1 इससे भी ख़त्म हो गया। और सेम टू सेम राउटर 3 से भी अगर ख़त्म करना है तो कॉन्फ़िग नो राउटर EIGRP 1, ठीक है। अगर हम चेक करें शो IP राउट, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। राउटर 1 पे आते हैं, अगर इधर कॉन्फ़िगर करना है तो क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे, सॉरी पहले ये लाजमी है हर जगह अपने आसानी के लिए, ये दो नेटवर्क है ना, कॉन्फ़िगरेशन में जाके राउटर OSPF लिख दो, ठीक है। इसके बाद जो आता है ये प्रोसेस आईडी है, ये जीआरपी वाली जो थी वो क्या थी, ऑटोनॉमस सिस्टम, ये कुछ भी दे सकते हो, 1 दे दिया दूसरे में 2 दे दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, इधर लिख दो नेटवर्क, नेटवर्क क्या है 1.0.0.0, यह खत्म नहीं है मसला। इसके बाद है वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड होता है, हाँ वाइल्ड कार्ड होते हैं सबनेट मास्क का अपोजिट। 1 का सबनेट मास्क क्या होता है, 255.0.0.0, ठीक है। इसको अपोजिट कर दो, यानी 0.255255, बिल्कुल 0.255255255। इसके बाद एरिया लिखोगे, और एरिया 0 जो होता है वो क्या होता है, बैकबोन एरिया होता है, मीन जो मेन एरिया होता है जिससे सारे राउटर कनेक्ट होते हैं। एटलीस्ट हर OSPF नेटवर्क में एटलीस्ट एक बैकबोन एरिया होता है, बैकबोन इस तरह यूज समझो आपके रीढ़ की हड्डी, इसके बगैर आपका वजूद कुछ भी नहीं है अगर ये ना हो, खराब हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड है। अगर कुछ कनेक्टेड नहीं है तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा, तो ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, इधर एक होगा, हर नेटवर्क में एटलीस्ट एक बैकबोन एरिया होगा, लेकिन फिलहाल मैं इस सब को एरिया 0 में कर रहा हूँ। अच्छा। फिर एडवांस में हम करेंगे, इसको एरिया 1 में डाल दूंगा इनसाइड को, इसको एरिया 2 में और इसको एरिया 0 में। अच्छा, ये बैकबोन एरिया मेरा बन जाएगा, ये दोनों उसके साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं सबको 0 पे कर रहा हूँ, तो ये 0 कर दिया, ठीक है। सेम टू सेम दूसरा नेटवर्क हमारा क्या है, 192.168.0.0, इसका वर्ड कार्ड क्या होगा, 0.0.0.255, क्लियर है ना। वर्ड कार्ड क्या है, एक्सेस लिस्ट में आपको ये और क्लियर हो जाएगा, मैं उधर पढ़ाऊंगा कि ये क्यों हम अपोजिट लेते हैं, ठीक है। ये 0 होता है चेकिंग करने के लिए, 255 डोंट केयर, ठीक है, इसलिए वर्ड कार्ड हम यूज करते हैं। मीन्स हम कह रहे हैं कि 0 में कौन आता है, 192 को चेक कर, इस 0 में क्या आता है, 168 को चेक कर, इस 0 में क्या आता है, इस 0 को चेक कर। इट मीन्स ये तीनों होने चाहिए, इट मीन्स इस नेटवर्क को होना चाहिए। अच्छा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट को चेक कर, तो ये है हमारा नेटवर्क ना, बाकी डोंट केयर, लेकिन हाँ, तो इसलिए हम वर्ड कार्ड इसको कहते हैं। और इसको क्या करूंगा, एरिया, ये भी एरिया 0 हो गया, क्लियर है ना। इट मींस ये वाइल्ड कार्ड ये सेम ही होगा जैसे हम 255 255 255, नहीं ये उसका अपोजिट होता है, सबनेट पास का काम वही होता है, काम वही होता है, नहीं किसी और मकसद के लिए होता है, ये एक्सेस लिस्ट में आपको श्योर हो जाएगा, क्योंकि मजा उधर आता है इसका, ठीक है। तो इधर अगर मैं बता दूं कि इसके लिए होता है कि 0 होता है चेक कर, 255 चेक ना कर, ठीक है। ठीक है, राउटर 2 पे आते हैं ना, इधर भी हम क्या लिखेंगे, डू शो, पहले ये कमांड अपने पास रखा करो ताकि आपको नजर आए अपनी राउट्स। इसके बाद लिखो राउटर
को SPF 2 दे दिया, प्रोसेसर की कुछ भी दे सकते हो, नेटवर्क 1.0.0.0 0.255 255 255 एरिया 0 ठीक है, और दूसरा 2 है के लिए भी सेम यही होगा ना ठीक है, और तीसरा जो इसका चैनल होगा क्या प्लस ही है 192.168.1.0 0.0.0.255 एरिया 0 इसकी भी तीन कॉन्फिगर हो गए, मींस नेटवर्क चेक करो होस्ट नहीं चेक करो। हाँ बिल्कुल, तो इधर भी कॉन्फिग टी राउटर ओएसपीएफ 3 नेटवर्क 2.0.0.0 0.255 255 255 एरिया 0 वाइल्ड कार्ड होल्डर गलत नहीं दिया 255.0.0.0 था ना, तो मैंने उल्टा लिख दिया ठीक है नेटवर्क दूसरा क्या है 192.168.2. जीरो इसका होगा 0.0.0.255 एरिया 0 ठीक है। अब अगर मैं ओएसपीएफ राउट कर दूंगा तो सब ओएसपीएफ के आए होंगे, या ओएसपीएफ के कर दूं तो हमें तीन आ गए हैं और तीन मिसिंग थे इसके साथ ना, एक वन नेटवर्क है और ये क्या है बिल्कुल इसका 1110 था ना, तो एक चीज हमें क्लियर हो गई, 128 इसका कास्ट है वहां पहुंचने के लिए, कास्ट का भी इनका भी अपना ही फार्मूला है, ये कास्ट का भी है ओएसपीएफ में, ये रेफरेंस बैंडविड्थ और इंटरफेस बैंडविड्थ, रेफरेंस बैंडविड्थ जो है बाय डिफॉल्ट होता है 100 मेगाबिट पर सेकंड, इसको हम डिवाइड करते हैं जो रेफरेंस इंटरफेस का बैंडविड्थ होता है, तो कौन सा इंटरफेस है सीरियल 20 इसका बैंडविड्थ 128 था मेरे ख्याल में, शो इंटरफेस सीरियल 3/0 इसका 128 है ना, तो 128 और रेफरेंस क्या है 100 100 डिवाइड बाय 128 डिवाइडेड बाय 128 सॉरी ये तो उसमें हो यार स्टैंडर्ड में 100 है ना जो रेफरेंस बैंडविड्थ है मल्टीप्लाई बाय 128 था मैंने किया था नहीं इसमें फिर हमने गलती की यार इधर है एक सौ अट्ठाईस किलो बेट तो इसको मेगाबिट तो किलोबाइट को मेगाबिट में ट्रांसफर करना है ये है सॉरी तो हमारा वाला सीरियल लिंक है ना तो इसका ये होता है तो ये डिवाइड इसको किलोबाइट में ट्रांसफर किया है 100 मेगाबाइट है उसको किलोबाइट में ट्रांसफर कर तो ये आ जाता है सही है तो ये 64 आएगा लेकिन हमारा वाला 64 नहीं है सही है ठीक है ना तो 64 ये हो गया और 64 यहाँ तक पहुँचने के लिए 128 हो गया ठीक है या सपोज ये वाला कर लेते हैं इस नेटवर्क का कर लेते हैं उसमें लिखा होगा राउटर 3 में जाके 192.168.0.0 ये है ना तो इसको 129 लिखा है 129 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है एक हमारा सीरियल है उससे 64 आ जाएगा एक हमारा फास्ट इंटरनेट है उससे 1 आ गया ठीक है
लेकिन 64 वाली दो है, क्योंकि 64 ये और 64 ये, तो कितने 128 हो गए, 128 और एक दो जमा कर दो तो कितने आ जाते हैं 129, ठीक है। तो इसका ये मैट्रिक है, ये इस हिसाब से एक फार्मूला लगाते हैं कि हम इसको काउंट करेंगे और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कास्ट आएगा। तो इसका कास्ट होता है, और कास्ट भी इनडायरेक्टली एक किस्म का बैंडविड्थ होता है अगर समझो, क्योंकि कास्ट किस चीज से आता है, बैंडविड्थ से आता है ना, जिस इंटरफेस का बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो उसका कास्ट कम होगा और वही बेस्ट होगा। तो इनडायरेक्टली ये जेआरपी और ये दोनों बैंडविड्थ पे ही एनएसआर करते हैं, और इनका मैट्रिक क्या होता है, बैंडविड्थ होता है। लेकिन रिप वर्जन 1 और 2 का होता है सिर्फ राउटर काउंट करना, चाहे इंटरफेस की बैंडविड्थ कुछ भी हो, और बेस्ट इसलिए ये दोनों इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा एनएसआर होता है बैंडविड्थ पे, जहाँ पे बैंडविड्थ मीन मोटरवे है वो, तो जितना ज्यादा हो उस पे हम आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका ये तरीकाकार है। तो ये था, अच्छा इनकी सारी चीजें चेक करनी है, एक तो हमें पता चलेगा कि 110 है इसका, सही है। अब ये पैकेट किस चीज पे सेंड करता है वो हेलो, तो वो चेक कर लेते हैं। इधर से मैं एक ऑन कर लेता हूँ EAGRP, और सॉरी OSPF, ठीक है OSPF कर दिया, और इधर से OSPF का पैकेट जा रहा है, ठीक है। तो ये किस पे जा रहा है, 224.0.0.5 6 किसी और चीज के लिए यूज करते हैं हम करेंगे वो, तो इधर इसलिए मैंने ये लिखा है कि 224.0.0 पे ये अपना हेलो पैकेट सेंड करेगा, जिस तरह ये 10 पे सेंड कर रहा था, जिस तरह ये अपना राउट टेबल 9 पे सेंड करता था। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये हम चेक करेंगे। ओपन स्टैंडर्ड है, लार्ज नेटवर्क में कोई चेंजेस है ही नहीं, ना कुछ लिखा है कि इतने राउट्स के लिए है, हॉप्स इतने है, ठीक है, लिमिटेशन नहीं है। एरिया हमने चेक किया, इसमें हमने एरिया कॉन्फ़िगर कर दिया हर नेटवर्क के साथ, सही है। और प्रोसेस आईडी भी डिफरेंट दे सकते हो, वो हमने किया, ठीक है। पार्शियल अपडेट सेंड करता है, जिस तरह ये है ये चेक कर दिया, 110 है। अल्गोरिथम इसका कास्ट है वो हमने चेक किया, मोस्ट डिफिकल्ट है वो हमने चेक किया, क्योंकि इसमें एरिया भी है और प्रोसेस आईडी भी है, ठीक है। और हेलो पैकेट 10 सेकंड के बाद सेंड करता है, और अगर ना मिले तो 40 सेकंड तक, और मैटर किसका कास्ट है वो भी हम फाइंड आउट कर सके। तो ये इसकी मेन चीज है, तो जितने भी हैं रिप के EIGRP के, और ये डिफरेंट है, हां डिफरेंट है, और रिप की तो एजी है वो तो राउट काउंट करेगा, इसका मैटर ये है, जितने राउट्स कम होंगे ये कहेगा कि ये बेस्ट रास्ता है, ठीक है, ठीक है। रिप 1 और 2 तो ये करता है, EIGRP के कि नहीं मैं बैंडविड्थ और डिले को डिवाइड वगैरह, वो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला था, उस पे करके जिसका सबसे ज्यादा बैंडविड्थ हो वो मेरे लिए बेस्ट पाथ होगा। OSPF कहता है कि नहीं मैं जो मेरा रेफरेंस बैंडविड्थ है उस पे हर इंटरफेस का इकट्ठे करके और उस पे डिवाइड करके जो सबसे कम कास्ट आएगा वो बेस्ट होगा, सही है। तो ये सबके मैट्रिक्स है। और क्या था, अच्छा आया इसमें हम आगे फिर पढ़ेंगे डिटेल से, जिस तरह OSPF में भी हम डिफरेंट एरिया कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, इसमें भी पैसिव इंटरफेस हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और ये प्रायोरिटी चेंज करेंगे इंटरफेस की, बैंडविड्थ चेंज करेंगे, बल्कि अगर हो जाए तो मेरे पास अगर होता कि ये क्लियर हो जाए कि वो क्यों रास्ता चेंज करते हैं, ब्लैंक 3 राउटर, शायद इसकी फाइल पड़े हो तो जल्दी कॉपी कर लूँगा। ये है सर 6 राउटर वाला, इसमें ब्लैंक 6 राउटर वाला चेक कर इस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि सारे कमांड में लिखूंगा ना, राउटर रेप और फिर उसके सारे, तो मैं इसलिए ढूंढ रहा था MT 6 राउटर, ये ठीक है। इस पे हम पहले रेप करेंगे और फिर चेंजेस करके आया ये रास्ता चेंज करेगा कि नहीं, फिर ये जीआरपी करेंगे प्योर OSPF करेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि पांच चेंज कर। अब जैसे ये सिनेरियो है, इसमें हम लोग वो जैसे स्विच में था विलन का DTP प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा, DTP सॉरी, तो उस तरह का इनमें कुछ नहीं, तो मींस किस चीज के लिए, मतलब अगर हम एक एक विलन लाते तो सब में कॉपी हो जाते हैं,
नहीं इधर विलियन के कॉन्सेप्ट नहीं होते राउटर नहीं इधर इंक्यूर ये इधर ये डायनामिक प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ शेयर कर लेती है टेबल सब पीरिप चला दो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हाँ हाँ बिल्कुल ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ठीक है तो मैं आता हूँ ये कौन सा राउटर है 15 और 18161 ये कहाँ से स्टार्ट किया है 15 192.168.1 ये है मेरे ख्याल में इस राउटर से स्टार्ट लिया है मैं इसको कॉपी करके इसमें तो कोई मसला नहीं है ना या मैं लिखूंगा या उधर कॉपी डायरेक्ट कर दूंगा ठीक है हमने जो टेस्ट करना है ना वो बाकी हम तो सब कुछ कर चुके इधर पेस्ट कर दिया इस स्क्रिप्ट चल गया ना ठीक है ये लिखना था दूसरा है रिप के लिए 14 और 2 ये वाला है इसकी केस साइड से हम आ रहे हैं इसके तीन नेटवर्क है वो मैंने डायरेक्ट लिख के इधर कॉपी की इसको इशू तो नहीं है ना ठीक है ठीक इधर ये रिप चला रहे हैं हाँ रिप चला रहा हूँ ठीक है तीसरा राउटर है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन का ये फायदा होता है एक दफा लिख दो ना चार ये तो पेस्ट कर सकते हैं हाँ कंट्रोल शिफ्ट सिक्स ये चला लिया ठीक है थ्री सिक्स और दूसरा क्या है 1.16.4 हाँ ये है ठीक है और इसके बाद 2.6 ये 2 है इस साइड पे 6 है इसके दो नेटवर्क के दो एडवर्टाइज कर दिए ठीक है और लास्ट वाला कंट्रोल सी इसका एक 2 नेटवर्क है एक 5 नेटवर्क ऊपर है 1.860 इस साइड पे है ठीक है और हम डायनामिक राउटिंग में यही करते हैं ना जो हमारे अपने नेटवर्क होते हैं उसी को एडवर्टाइज करते हैं तो राउटर लिप लिखते हैं सब में मैंने रिप चला दिया ठीक है अब रिप का चक्कर ये है ये क्या करता है बेस्ट पाथ उसको कहते हैं ठीक है इधर से मैं सिर्फ रिप कर लेता हूँ ये कह रहा है बेस्ट पाथ वो होता है जिसमें सबसे कम राउट हो अगर मैं इधर से इधर पैकेट भेजूंगा तो अगर चेक कर दो तो दो रास्ते हैं इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं ये कौन सा वाला रास्ता चूज करेगा रिप वैसे तो राउटर को आउट करते हैं हाँ तो कौन से वाले भी जाएगा ऊपर वाले से जाएगा हाँ क्योंकि ऊपर कितने हैं तीन सॉरी मैंने ये एक दो ठीक है तो ये उधर से जाएगा और उधर से ही आके वापस ये दे देगा ठीक है सक्सेसफुल हो गया लेकिन अगर मैं यहाँ की बैंडविड्थ चेंज करूँ इसका कम कर दूं इसको 5000 बैंडविड्थ 5000 यहाँ तक ये तब भी ये कौन सा रास्ता चूज करेगा ऊपर वाला ही चूज करेगा क्योंकि वो राउट के अंदर इसका मैटर क्या है वो किसके बेस पे करता है सिर्फ राउट हॉप्स काउंट करता है तो ये क्लियर है कि नहीं चेंज करके दिखा दूं ठीक है ये रहा रिप का चक्कर चाहे कुछ भी हो ये सिर्फ हॉप्स काउंट करते हैं बोर्ड की बैंडविड्थ कैसे चेंज करते हैं हां वो इस तरह जाके ना ये इंटरफेस है सीरियल 3/0 सही है ये हम वो उस पे कर चुके थे स्विच में इंटरफेस सीरियल 3/0 इधर लिख के स्पीड सॉरी बैंडविड्थ लिख दो ठीक है और ये बैंडविड्थ का जितना भी देना है सब कुछ मैं देता हूँ 5000 बैंडविड्थ इसका चेंज हो गया अगर इसको चेक करना है कि बैंडविड्थ इसका क्या है तो इंटरफेस सीरियल 3/0 बाय डिफॉल्ट 128 था हमने चेंज करके 5000 कर दिए 300 BW बैंडविड्थ ठीक है अगर दूसरे का चेक कर दो वो कम होगा इसको भी ज्यादा कर दो तब भी ये इसी रास्ते से जाएगा ठीक है
सेम टू सेम अगर मैं इस पे ईएजआरपी चला दूं, सब पे ईएजआरपी चला दूं और इसके बाद मैं क्या कर दूं, इस तरह डिफॉल्ट रहने दूं ना, तो यही रास्ता चूज करेगा या तक आने के लिए। लेकिन जब मैं बैंडविड्थ चेंज करूंगा इसका ज्यादा करके इन साइड का, तो पैकेट इस साइड से गिर जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सेम टू सेम अगर एसपीएफ के साथ मैं करूंगा बाय डिफॉल्ट हो ये इस रास्ते से जाएगा, क्योंकि इधर भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है लेकिन ये एज ही है, इधर कास्ट कम होगा ना, सिर्फ ये दो इंटरफेस क्रॉस करने हैं। लेकिन जब मैं बैंडविड्थ ज्यादा करूंगा तो फिर वो कहेगा कि यार इधर तो कास्ट इससे कम है, क्योंकि इधर बैंडविड्थ ज्यादा है तो कास्ट हमारा कम पड़ेगा, हम क्विकली पहुंच जाएंगे। इवन दो कि ये रास्ता लंबा है, तो एक किस्म का मोटरवे, तो तब भी ओएसपीएफ इस रास्ते से जाएगा, सेम टू सेम ईएजआरपी भी इसी रास्ते से जाएगा। ये आप खुद से कर सकते हो, ये फाइल में दे के दोनों पे अप्लाई करके और हर इंटरफेस का बैंडविड्थ चेंज करके ऑटोमेटिकली रास्ता चेंज कर देगा। क्लियर है? सिर्फ मैंने ये समझाना था, वैसे मैं करवाता हूँ लेकिन छोड़ दिया क्योंकि आप समझ चुके हो ये चेंज होगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि मैट्रिक्स इस बुनियाद पे होता है तो आप फिर करोगे हाँ ये हो जाता है। ठीक है, तो यही था। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह कल हम इसमें एडवांस चीजें करेंगे। मीन्स अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इस इंटरफेस को नहीं भेजना चाहता, इसको एडवर्टाइज नहीं करना चाहता, तो इसको मैं पैसिव इंटरफेस बना सकता हूँ। ठीक है, कुछ जाएगा ना आएगा, ये भी कर सकता हो, इस तरह भी कर सकता हो, इन दोनों को एडवर्टाइज कर दो, ये रह जाएगा या तक कोई नहीं पहुंचेगा क्योंकि आपने एडवर्टाइज ही नहीं किया है। मीन जिस तरह मैंने कहा कि रमजान में आप सारी कानी बाहर लाते हो ना, आपने एक काना छोड़ दिया तो डेफिनेटली जो लोग तो वही नहीं कहेंगे ना। सही है, तो ये भी कर सकते हो। फिर हम ये करेंगे कि ईएजआरपी का वो बाय डिफॉल्ट 100 होता है हाफ काउंट, उसको 255 कर देंगे। ठीक है, इधर दोनों पे पैसिव करेंगे तो बाहर के नेटवर्क यहां नहीं आएगा या यहां का नेटवर्क नहीं? अगर दोनों पे कर दिया ना तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों रास्ते अपने बंद कर दिए। पैसिव इंटरफेस मींस इस रास्ते को बंद कर दो, एडवर्टाइज ही ना करो ओएसपीआई थ्रू, या इधर की भी नहीं आएगी इंफॉर्मेशन, नहीं आएगी क्योंकि अच्छा। क्योंकि रास्ता बंद है, ये किसी ने एडवर्टाइज ही नहीं किया है। तो ये कर सकते हैं, वो ये जेआरपी का वो हॉप्स काउंट चेंज करेंगे, ये जेआरपी को 4 केस भी ऑन कर देंगे, किस तरह अगर ऑन करना चाहते हो, किस तरह ऑन करना है। सही है, और मैक्सिमम पाथ ये चूज करते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए। अगर दोनों रास्ते इक्वल हो तो क्या करते हैं फिर, इधर सपोज इधर दोनों रास्ते मैंने इक्वल कर दिए, ये दरमियान वाला इधर भी दो रास्ते और इस साइड भी दोनों इक्वल है, तो फिर ये लोड बैलेंसिंग करेगा, इधर भी सेंड करेगा और उधर भी सेंड करेगा। अगर इसको चेंज करना है तो किस तरह ट्यून करते हैं, तो ये सारे थोड़े से एडवांस चीजें इसमें तीनों प्रोटोकॉल में हम करेंगे, रिप ये जेआरपी और ओएसपीएफ। फिर ओएसपीएफ में हम मल्टीपल एरिया करेंगे, अगर बैकबोन होना चाहिए दरमियान वाला बैकबोन करेंगे, एरिया 0 पे कॉन्फिगर करेंगे, एक को एरिया 1 दूसरे को एरिया 2, तो तीनों कॉम्बिनेशन दोबारा भी करेंगे। तो एरिया 1 एरिया 0 में बैकबोन रहता है, ये रहता है, ये होना चाहिए हर नेटवर्क में होना चाहिए। और एरिया को अगर हम बैकबोन बनाना चाहें तो नहीं, एरिया 0 ही बैकबोन होता है। हाँ, तो ये चीजें और इस तरह और क्या चीजें है, हाँ ओएसपीएफ में कुछ और टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़ेंगे, ईएजआरपी में अगर कुछ और चीज़ें हो तो वो कोर्स ऑफ टाइम को चेक करके वो करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम मूव होंगे एक्सेस रेस्ट पे, नेट पैड पे, डीसीपी सर्वर है, ये सारी चीज़ें वो आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर इसमें कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हो। ये थे डायनामिक प्रोटोकॉल्स, डायनामिक प्रोटोकॉल्स में रिवर्जन 1, रिवर्जन 2, ईएजआरपी और ओएसपीएफ। सही है, और आईएसआईएस जो है वो आईएसआईएस जो है वो और ये एसटीसी और यही यूज करते हैं मेन कोर में, आईएसआईएस। हाँ, लेकिन वो कोर्स का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ना सीसीएनपी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सीसीएनए में भी नहीं है, इवन सीसीआई में भी नहीं है। तो वो कहां पे, वो यूज ही नहीं है, वो यूज होता है दूसरे वो जूनिपर राउटर जो होते हैं ना, उसमें हम यूज करते हैं। और एसटीसी वाले मैंने जितना सुना, जितने मेरे वो स्टूडेंट्स है या उधर है दोस्त वगैरह, वो सब कह रहे हैं कि इधर जो कोर राउटर है ना, ये जूनिपर यूज करते हैं।
ये आपको पता होगा। मेरे जो हमें भी ऐसा वर्ड सुने में आए हैं जूनिपर में कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिस्को में कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। नहीं, जूनिपर में भी, जूनिपर और सिस्को की तकरीबन कमांड सिमिलर है। अच्छा। तो उसके वो कमांड में ले लोगे वैसे अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। मैंने एक सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी की थी फिर छोड़ दिया, जूनिपर के इधर ही होगा नजर आएगा। इस तरह हम इसमें क्या करते हैं, ये तो इसकी शॉर्टकट उसकी तरह वर्जन, ये भी सिमिलर एनीहाउ, ये इतनी मुश्किल नहीं है, जिस तरह ऑलमोस्ट कमांड सेम ही है। अच्छा ठीक है, तो इसमें आईएसआईएस होता है और ये इधर सिर्फ एसटीसी और यूज करते हैं, कोर में आईएसआईएस चलाते हैं, बाकी हर जगह पे ओएसपीएफ चलता है कोर में। अच्छा हां, ओएसपीएफ और आईएसआईएस बेहतरीन है कोर के लिए। अच्छा ठीक है, जो हमारा कोर नेटवर्क होता है। एनीहाउ वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे फिर इसमें। इसमें है कोई क्वेश्चन? नहीं, हमारा उधर जो हम लोग जो मॉडल्स दे रहे हैं, जैसे रांची को जो मॉडल्स दे रहे हैं, जैसे वैसे जो मॉडल्स हम दे रहे हैं।